हेलो एवरीवन, मैं हूं सिमुल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूं प्रेस्टीज मिक्सर ग्राइंडर। तो ये मिक्सर ग्राइंडर मैंने लिया है विजय सेल्स। ऑनलाइन भी आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऑनलाइन बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस मिलेंगे आपको, स्पेशली अमेजोन पे सेल चल रही है, दिवाली ऑफर्स चल रहे हैं। तो आपको अगर बाय करना है अमेजोन से तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से खरीद लीजिएगा। सो फिलहाल मैं आपके सामने मैं इसे अनबॉक्स करूंगी और देखते हैं इसके अंदर जितने भी जार्स हैं वो कैसे हैं। मेरी पिछली वीडियो मैंने वीलॉग शेयर किया था, मेरा पहला वीलॉग था, आई होप आपने देखा होगा। दिवाली क्लीनिंग के ऊपर था और डेकोरेशंस के ऊपर। तो मेरे इस वीलॉग चैनल को और कुकिंग चैनल को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने मेरे ओल्ड फैशन एंड लाइफस्टाइल वाले चैनल को दिया है। तो अगर वो चैनल भी आपने नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रिसेंटली मेरा मिक्सर अभी जस्ट खराब हुआ और जिसके वजह से मुझे मिक्सर लेना पड़ा। तो मिक्सर और जूसर मैंने सोचा साथ में लूं, बट जूसर ऑलरेडी था मेरे पास और फूड प्रोसेसर का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है मेरे घर में, सो मैंने सिर्फ मिक्सर ग्राइंडर लिया है। तो इस पे जो टेप वगैरह लगे हुए थे वो मैंने ऑलरेडी निकाल, सो ये कुछ इस तरीके का है, अच्छी तरह से पैक होके आता है। और इस बॉक्स को ऐसे ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा बॉक्स है और इसके अंदर भी एक बॉक्स है, वो भी मैं निकाल लेती हूँ। तो ये दो बॉक्स हैं इसके अंदर और ये दोनों बॉक्स को मैंने अभी जस्ट ओपन किया है। आई थिंक एक में होगा मिक्सर, दूसरे में होंगे मिक्सर के जार। मैं आपको आउटर पैकेजिंग पे क्या क्या लिखा हुआ है वो बता दूं। ये जो ब्रांड है ये है प्रेस्टीज और ये 750 वॉट का मोटर है। इसकी पैकेजिंग पे ये सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं, कंटेंट की डिटेल लिखी हुई है। कंटेंट में यहाँ पे लिखा वेट जार है 1500 ml का, ड्राई जार है 1200 ml का और जो चटनी का जार है वो 450 ml का है। और इसके साथ आपको एक ड्राई ग्राइंडिंग ब्लेड मिलेगा, प्लस आपको चटनी के ब्लेड मिलेंगे, एक स्पैचुला मिलेगा, मैनुअल मिलेगा आपको और वारंटी कार्ड मिलेगा। ये साइड में सारी डिटेल्स दी हुई है, 3 सुपर एफिशिएंट ब्लेड्स यहाँ पे इसकी डिटेल है, स्टर्डी हैंडल्स, मतलब इसका जो हैंडल है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब जल्दी टूटेगा नहीं ऐसा क्लेम कर रहे हैं ये, तो वो तो यूज करने के बाद पता चलेगा। यहाँ पे इसकी प्राइस लिखी है 4695 रुपीज, बट ये सेल में ऑफर में जो प्राइस इसकी पड़ी है वो मुझे 3200 में पड़ी है। मोटर की 5 ईयर्स की वारंटी है मोटर की और 2 ईयर्स की वारंटी है इसकी ओवरऑल। ये कुछ कार्डबोर्ड है, आई थिंक मैं सोच रही हूँ इसका कुछ यूज कर लूँ। मैं बहुत जल्द कंदिल बनाने वाली हूँ जिसे मैं अपने ओल्ड चैनल पे शेयर करूंगी, तो आई थिंक कंदिल बनाने के लिए ये कार्डबोर्ड को मैं यूज करूँ। इसमें मिला है ये स्पैचुला प्लास्टिक का है। ये है इसका मोटर, इसमें दो कलर्स अवेलेबल थे, व्हाइट कलर और पर्पल कलर। सो व्हाइट कलर मैंने नहीं खरीदा बिकॉज बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, सो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर खरीदा है। इस तरीके का इसका पूरा मोटर है और ये बटन दिए हुए हैं। इसको यहाँ इस साइड अगर आप घुमाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे डिटेल दिए हैं बटन्स के। ये साइड में आपको मीडियम होगा और ये साइड में सारा स्लो, मीडियम एंड देन फास्ट, कुछ इस तरीके का ये बटन्स है इसके। इसका पूरा ओवरऑल लुक जो है वो बहुत अच्छा लगा मुझे एज कम्पेयर टू मेरे प्रीवियस मिक्सर का। तो ये है इसकी जार की पैकेजिंग, तो पैकेजिंग वाइज जार बहुत अच्छा पैक किया है। सो ये है 3 स्टेनलेस स्टील के जार, इसमें से पहला है आई थिंक चटनी का है जिसे इस तरह का पैक किया है। तो ये चटनी का जार है बट ये बोल के शेप में है, बहुत अच्छा शेप है इसका, तो अच्छा लगा मुझे ये, काफी शार्प है। नेक्स्ट जार थोड़ा मीडियम साइज का जार है और इस तरह से इसका हैंडल है और इसकी ब्लेड भी काफी शार्प है, बहुत ज्यादा शार्प है इसकी ब्लेड, अच्छा है ओवरऑल क्वालिटी मुझे अच्छी लगी इसकी। सो यूज करने के बाद देखते हैं कैसा है। तो नेक्स्ट जार ये है 1500 ml का, काफी बड़ा जार है, यहाँ पे भी इसने हैंडल दिया हुआ है और काफी अच्छा है, ये भी स्टेनलेस स्टील का है, स्टील की क्वालिटी बहुत अच्छी है।
ये इसके ढक्कन है। अभी इसके जो ढक्कन है अनब्रेकेबल, उन्होंने कहा कि ये कितने बार भी गिरेगा फूटेगा नहीं, अनब्रेकेबल है। यहाँ पे साइड में आपको रबल दिया है, साफ करना अंदर से बहुत आसान रहेगा क्योंकि कुछ भी ऐसे लाइन वगैरह नहीं है, आराम से निकल जाएंगे। इसका जो ढक्कन है वो काफी टाइट है तो ओवरऑल अच्छा लगा मुझे। तो ये है बड़े वाले जार का ढक्कन। ढक्कन की वजह से मैंने इसे बाय किया है क्योंकि ढक्कन मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने कुछ चीजें इसमें डाल दी सपोज, और उसमें आपको लगा कि नमक कम है या पानी डालना है, तो आपको ये पूरा ढक्कन ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये ऊपर का एक छोटा व्हाइट वाला जो ढक्कन है ये ओपन करना है और यहाँ से आपको डाल देना है, मतलब पूरा ढक्कन ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ओवरऑल मुझे पूरे मिक्सर में यही एक चीज अच्छी लगी। और दूसरा जो अच्छा लगा वो है ब्रांड नेम, जैसे कि प्रेस्टीज। तो लेट्स सी कि इसकी लाइफ कितनी है, क्या वाकई में अच्छा होता है या नहीं। ओवरऑल जो ये मिक्सर आपको मैंने दिखाया ये मुझे काफी अफोर्डेबल लगा। तो ये था पूरा मेरा मिक्सर ग्राइंडर जो मैंने आपको अभी दिखाया, और ये दिवाली ऑफर की वजह से 3200 में मिला। अगर आप दिवाली के बाद लेने जाएंगे तो आई थिंक ये आपको 4500 के आसपास मिलेगा। सो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी अगर आपको भी नया मिक्सर बाय करना है तो आप ऑनलाइन मत बाय कीजिए, आप बाहर शॉप में जाइए, आपको दिवाली ऑफर्स की वजह से सस्ते में मिल जाएगा। ऑनलाइन में अब आपको बोलूं तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ऑनलाइन परचेज करूं, बट रिव्यू जब मैं देख रही थी अमेजोन पे तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि किसी का ब्लेड टूटा हुआ है, किसी का हैंडल टूटा हुआ है और कोई अच्छे कंडीशन में नहीं आया है, किसी के प्लक में कुछ प्रॉब्लम है, कोई कोई अच्छा आ गया है तो वो रन नहीं कर रहा है प्रॉपरली। तो ये सारे प्रॉब्लम्स ऑनलाइन मुझे नजर आ रहे थे और बहुत लोगों ने मुझे रिकमेंड भी किया भी किया कि आप ऑफलाइन खरीदिए क्योंकि ये सारी चीजें हमें ऑनलाइन अगर खरीदते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और रिव्यू देखने के बाद तो आई वॉज श्योर कि मैं बाहर ही जाके खरीदने वाली हूँ शॉप में। तो ऑनलाइन अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलेगी, जैसे कि 3200 में आपको ये प्रेस्टीज का मिक्सर तो मिलेगा बट इसमें जैसे तीन जार दिए हैं वहां पर आपको चार मिल जाएगा, या फिर आपको 2800 में मिलेगा, 2700 में मिलेगा, थोड़ा प्राइस कम मिलेगा, या फिर पूरा फूड प्रोसेसर के साथ आपको कम प्राइस में मिलेंगे। तो ऐसे बहुत से ऑफर्स चालू हैं अमेजोन पे, बट अगर आप मिक्सर खरीदना चाहते हैं तो आप शॉप में जाके खरीदिए। ऑनलाइन बाय कर लिया और अच्छा नहीं आया तो उसमें फलाना ढिकाना दुनिया भर की प्रॉब्लम आती है, फिर उसे रिटर्न करो, ये करो, वो करो। इट्स बेटर कि आप ऑफलाइन शॉप में जाके बाय कर लो, वो ज्यादा बेटर है। तो आई होप आपको ये रिव्यू वीडियो या अनबॉक्सिंग वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो आप लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मेरी अगली अनबॉक्सिंग होगी LG वॉशिंग मशीन के ऊपर, तो उस वीडियो को भी देखना बिल्कुल ना। चलिए मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।